मैं बीके सर के कैंपस में रीजनिंग पढ़ाता हूँ और यह चैनल उन लोगों के लिए है जो रीजनिंग में कुछ नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए चैनल है जो कि शून्य से लेकर के शिखर तक पहुँचाया जाएगा। और आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कि आपके लिए दो शब्द। नील नमी से डरती है तो प्यार अपनों से डरता है। नील नमी से डरती है तो प्यार अपनों से डरता है और जिंदगी क्या रंग लाएगी जब इंसान इंसान से डरता है। आइए हम लोग देखते हैं अपना जो ये हम लोग क्वेश्चन है और ये पांच क्वेश्चन है और इन पांचों क्वेश्चन को अगर हम कर लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है अर्थात कोड पे आधारित प्रश्न, वह कोड पे आधारित प्रश्न किसी को भी किसी भी पॉइंट से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरा मान है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर भी मैंने नोट करके दिखा रहा हूं कि अगर मेरा मान 180 से ज्यादा हो तो 360 में से घटा करके आंसर देते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने प्रश्न मेरा है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर मैं लिखूंगा घंटा और यहां पर मैं लिखूंगा मिनट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बार बार घंटा और मिनट लिखने की कोई भी जरूरत तो नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे कि घंटे के जगह पे लिखूंगा 2 और मिनट के जगह पे लिखूंगा 20। मिनट में हर बार 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 में हमेशा 30 से गुणा करेंगे और जितना मिनट होगा उसका यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें हम गुणा करेंगे, 30 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 60 और प्लस यह 10 मेरे पास होगा जो कि टोटल योग आपका 70 होगा। यहाँ पर 20 और 20 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 120। हमने आपको बताया है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, चाहे वह बड़ा वाला इस साइड में हो चाहे बड़ा वाला इस साइड में हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर में छोटा है और इधर में बड़ा है तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और यहाँ पर 70 हम घटा देंगे। हाँ, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर होगा 5। इसका मतलब कि इनके बीच में 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य में जो कोण बनेगा उसका आंसर होगा 50। उसका जो ये हमारा होगा आंसर, यह आंसर होगा 50 डिग्री। मैं ऐसा करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अब यहाँ पर मेरे पास में है जो कि पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है जिसमें पॉइंट के बारे में नहीं दिया गया है, अब मैं आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर है 12:05 पे, 12:05 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर भी वही काम करेंगे हम और इसको हम दो तरीकों से हल करेंगे। जैसे कि यहां पर 12:05 है तो 12 गुणा होगा 30 से और यहां पर 5 मिनट है तो 5 मिनट का आधा होता है 2.5, जिसे हम 2.5 लिख सकते हैं। यहां पर मिनट कितना है तो मिनट है 5 मिनट, इसमें गुणा करेंगे 6 से। यहां पर हम गुणा करेंगे तो हमारा होगा 30 और यहां पर हम गुणा करेंगे 30 में और 12 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 360 और प्लस 2.5, टोटल जोड़ेंगे 362.5। अब लड़का सोचेगा कि सर इधर में बड़ा है और इधर में छोटा है,
तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। हाँ, तो यहां पर पॉइंट है, यहां पर 360 में 2 जोड़ा 2.5, तो यहां पर 362.5। अब हम इसको घटा देंगे और यहां पर हम घटाऊंगा। घटाने के लिए भी तरीका मैं बता देता हूं, पहले ही बोला हूं कि चैनल उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं जानते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 362.5 में से 30 घटा देंगे। अब यहां पर पॉइंट की जगह पे पॉइंट नीचे रख के कुछ भी नहीं तो जीरो। अब मैं घटाना चालू करूंगा तो 5.2 है तो 2। अब यहां पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 यहां पर, 3 और यहां पर होगा 3। अगर आप कहेंगे कि 332.5, तो यह हमारा आंसर, यह 180 से क्या है, बड़ा है। तो जब 180 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, 360 में से घटाएंगे। क्यों, तो यहां पर हम 360 में से 332.5 घटा देंगे, कुछ भी नहीं है तो पॉइंट और यहां पर जीरो हम बढ़ा देंगे। और जैसे जीरो बढ़ाएंगे यहां पर ये अपना हाशिया लेगा जो कि 10, और 10 में से 5 चला जाएगा 5, ये हमारा 9, 9 में से 2 चला जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हमारा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये हमारा कुछ नहीं, मेरा आंसर होगा 27.5। अब आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं दूसरे तरीकों से हल कर, क्योंकि जो डिजिटल घड़ी आती है वह डिजिटल घड़ी, मैं कहूंगा कि 12, जब भी डिजिटल घड़ी में 12 बजता है तो 12 के बजने पर वहां पे डबल जीरो हो जाता है, डबल जीरो हो जाता है। तो हम 12 के स्थान पर अगर हम चाहे तो जीरो भी रख सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे घंटा और यहां पर हम लिखेंगे मिनट, मिनट के जगह पे लिखूंगा 5 और यहां पर मैं 12 घंटा, तो 12 घंटा ना लिख करके यहां पर हम 12 का मतलब होता है 00, गुणा करूंगा 30 से, इसका आधा जोड़ूंगा तो 2.5। अब इसमें हम गुणा करेंगे 6 से, यहां पर होगा 30, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर मान हो जाता है 0, तो यहां पर केवल बचेगा 2.5। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 30 इधर में हमारा बड़ा है और इधर में छोटा है, तो यहां पर हम घटाएंगे, यहां पर हम घटाएंगे 2.5, 2.5, तो यहां पर 2.5 और यहां पर 30, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 30 में से 2.5 घटेगा, यहां पर 27.5 हमारे यहां पर भी तो आंसर आ गया। अच्छा, एक बात और भी हम देखेंगे, हमको जब भी 12 का प्रश्न आएगा, जैसे 12:20 पे, 12:15 पे, 12:08 पे, तो जब भी 12 का प्रश्न आए तो 12 के प्रश्न के लिए हम 12 के स्थान पे 12 ना लिख के 00 लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम घड़ी बनाएंगे तो यहां पर 12, यहां पर 6, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, तो जब 12:05 होगा तो सुइया हमारी कुछ ऐसे होती है। तो बताइए कि क्या यहां पर 332.5° का कोड बन सकता है, नहीं, यही कोड बनेगा ना, तो यही कोड बनेगा जो कि हम कह सकते हैं कि एक घंटा में 30° का कोड बनता है, जो कि 5 मिनट चलिए तो 2.5 मिनट भी सुइया चली होगी, अर्थात यह जो कोड बनेगा 27.5° का कोड बनेगा। अतः हमारा नोट, यहाँ पर आप नोट करना चाहते हैं तो एक नोट करेंगे कि अगर 12 का प्रश्न हो तो 12 के स्थान पर 00 रख करके प्रश्नों को हल करते हैं। आगे हमारे पास है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 4:25, 4:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आइए फिर हम देखते हैं,
घंटे के जगह पे लिखेंगे 4 × 30 और यहाँ पर मिनट के जगह पे लिखेंगे 25, गुणा करेंगे 6 से, 25 का जो आधा होगा यहाँ पर लाके जोड़ेंगे तो 12 पॉइंट में 5। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 4 × 3 = 12, 120 प्लस 12 पॉइंट में 5, 132 पॉइंट में 5। अब यहां पर गुणा करेंगे 5 और 5 में 6 से गुणा करेंगे, सॉरी 25 और 25 में हम 6 से गुणा करेंगे तो यहां पर 25 × 150, यहां पर 150 हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि इधर 132 पॉइंट में 5 और इधर में 150, इससे यह क्या है तो बड़ा है। तो मैंने बोला है कि बड़े में से छोटे को घटाना है, यह वाला मान ला के इधर घटाएंगे 132 पॉइंट में 5, कुछ भी नहीं है तो 0, यहाँ पर होगा 5, 9, 9 में से 2 चला जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर हुआ 4, 4 में से 3 चला जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा 1, यहाँ पर मैं कहूँगा कि 17.5 डिग्री का कोण बन गया। ये हमारा आंसर सही है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 12 बज के 10 मिनट। तो आइए इसे भी हम लोग देख रहे हैं कि 12 बज के 10 मिनट वाला क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे। तो देखेंगे भाई, 12 और यहां पर मिनट के जगह पर लिखेंगे 10, गुणा करेंगे 6 से होगा 60, गुणा करेंगे 30 से प्लस आधा जोड़ेंगे तो 5। अब मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, यहां पर 12 का प्रश्न आया ना, तो मैं 12 से गुणा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि जब भी यहां से सुइया चल के और फिर इसी पे आ गई तो उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास 12 का प्रश्न है तो 12 ना करके हम यहां पर 0 0 लिखेंगे। क्यों? कि हमें 360 से घटाने की जरूरत तो ना पड़े, क्वेश्चन जल्दी आएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर 60 हुआ और यहाँ पर गुणा करेंगे 0, यहाँ पर 5, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, हमारा आंसर होगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने 12 की जगह पे 0 रखा था। अब यहाँ पर मेरे पास एक और प्रश्न है, 8 बज के 15 मिनट, 8 बज के 15 मिनट, आइए उसे भी हम लोग देख रहे हैं। आठ मिनट की जगह पे 15, गुणा करेंगे 6 से, गुणा करेंगे 30 से, आधा जोड़ेंगे 15 का आधा, 7 पॉइंट में 5। अब यहां पर गुणा करेंगे 8 में 30 से गुणा करेंगे, अतिरिक्त 24, 240 प्लस 7 पॉइंट में 5, 247 पॉइंट में 5 और यहां पर 15 छक, यहां पर होगा भाई 15 छक 150, 150। अब यहां पर 200 है भाई और यहां पर 150 है, इधर बड़ा है और इधर में छोटा है, कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे 150, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे पॉइंट के नीचे, पॉइंट होगा 5, यहां पर होगा 7, यहां पर अब यहां पर 4 है, हासिया लगेगा 14 और 14 में से 5 चला जाएगा 9, अब यहां पर 1 है तो 1 में से गया, कुछ नहीं, यहां पर मेरा आंसर होगा 97.5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मेरा मान 180 से ज्यादा नहीं है, अगर होता तो 360 में से घटा देते। आई होप कि अब आपको पूरा कंसेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा और फिर हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट डे। आज के लिए थैंक यू। और मेरा एक नया बैच के बारे में बता दूं कि मेरा बैच जो है कि सुबह 7 से 8, ये बैच नया स्टार्ट होगा और यह स्टार्ट होगा के कैंपस,
मेरा बैच 7 से 8 एक नया स्टार्ट होगा और एक शाम को मेरा बैच स्टार्ट होगा और 4 से 5 ये शाम का बैच है और ये सुबह का बैच है। दोनों ही बैच 10/2/2020 को स्टार्ट होंगे और हाँ दोनों ही बैच 2020 को स्टार्ट होंगे और ये केके कैंपस में स्टार्ट होगा। केके कैंपस जो कि बलिया में है यहाँ पर हम लोग मिलेंगे। अगर जिन लोगों को जरूरत होगी ऑफलाइन के लिए वह इस नंबर पर फोन कर सकता है 9140028186। तो बस आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।